संपूर्ण दिल्ली में बीजेपी कार्यकर्ताओं के द्वारा दिल्ली सरकार के खिलाफ जगह जगह प्रदर्शन। प्रदर्शन में शामिल महिलाओं ने मटके फोड़कर किया रोष प्रदर्शन। आपको बता दें, दिल्ली में पानी की आपूर्ति एवं गंदे पानी को लेकर दिल्ली के सभी वार्ड में किया गया प्रदर्शन। आप देख सकते हैं वीडियो में साफ तौर पर महिलाएं एवं पुरुष हाथों में मटका लिए प्रदर्शन कर रहे हैं। परिचय दीजिए। मैं अनिल मिश्रा, वार्ड 48 मंडल अध्यक्ष हूँ और त्रिपाठी इनक्लेव का निवासी हूँ। आज मैं त्रिपाठी इनक्लेव के निवासियों के साथ यहाँ पर जो पेयजल की समस्या है, पीने के पानी की आपूर्ति की जो समस्या है, उसको लेकर मेरी कॉलोनी के सभी वयोवृद्ध लोग, महिलाएं, बच्चे और सब मिलकर हम एक जन आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि हम दिल्ली सरकार को जगाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं कि आदमी की 3 मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, हवा, पानी और भोजन। जिसमें से पीने के पानी की समस्या आज पूरी दिल्ली में हाहाकार मचा रही है और एक भयानक रूप ले चुकी है। लगभग 5-6 वर्षों से लगातार लोग पीने के पानी के लिए परेशान हैं और कई बार जनप्रतिनिधि से, दिल्ली सरकार से गुहार लगा चुके हैं कि हमको पीने के पानी की आपूर्ति जल्द से जल्द कराएं, क्योंकि लोग पीने के पानी के लिए बहुत परेशान हैं। लेकिन इस दिल्ली की सरकार के कान पे जू नहीं देख रही है और हमारे बार बार अनुरोध के बाद वो इस समस्या पर कोई समाधान नहीं करना चाहते हैं। उनकी गौतम भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा जिला उपाध्यक्ष भारी दिल्ली, आज एक संपूर्ण दिल्ली में एक पानी की समस्या को लेके एक विवाद था, उस विवाद को लेके हम सब इकट्ठे हुए हैं। इसी किराड़ी विधानसभा एक अनाधिकृत कॉलोनी है और यहाँ पे पानी की समस्या विकराल होती जा रही है। जो पीने का पानी पहले आता था, अब वो पानी गंदा भी आता है और कम भी आता है। यह पानी की आपूर्ति 3-3 दिन में एक बार होती है। अब 3 दिन में एक आदमी इतना स्टोर नहीं कर सकता है कि पानी का उसका काम चल सके, और यहाँ गंदे पानी का बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ती जा रही है। जो पीने का पानी आ रहा है वो गंदा आता है, बदबूदार आता है। अब हर घर में आदमी इतना यहाँ पर सक्षम नहीं है कि वो आर ओ इंस्टॉल करे और उस पानी को फिल्टर करके पी सके। तो विधायक से, क्षेत्रीय विधायक से यही निवेदन है कि इस पानी की समस्या को जल्द से जल्द दूर करे और लोगों की समस्याओं का समाधान करे। सर आप बताइए, आज किराड़ी विधानसभा में 5 साल पहले लोगों ने एक सपना देखा था कि अपने घर में पानी आएगा, डेली आएगा, कुछ दिन आएगा। इस सपने को अनिल झा जी ने साकार किया था। किराड़ी के लगभग 100 कॉलोनियों में पानी चलता था, उन्होंने कहा कि हम घर घर फ्री पानी देंगे। फ्री पानी के लालच में उन्होंने जो सिस्टम था उस सिस्टम को तहस नहस कर दिया और उसकी परिणति आज ये है कि पानी, एक तो किराड़ी के अंदर पानी आता नहीं है, अगर किसी गली में बाई चांस पानी आ जाता है तो वो उतना गंदा बदबूदार होता है कि आप उससे हाथ नहीं धो सकते। नहाना धोना खाना बनाना तो दूर, उसकी त्रासदी सबसे अधिक किराड़ी की महिलाएं झेल रही हैं, क्योंकि हम भाई लोग अपने काम पर चले जाते हैं, सुबह निकल जाते हैं, शाम को आते हैं, उनको खाना बनाना होता है, उनको कपड़े धोने होते हैं, उनको सारे काम करने होते हैं, तो उस समस्या को वहाँ की महिलाएं फेस कर रही हैं और वो दूर दूर से पानी अपने बटन लाती हैं। जब एक आध जलबोर्ड का टैंकर कभी आता है, उस टैंकर में पानी में इतनी धक्का मुक्की हो जाती है, तो जो बड़े बूढ़े लोग हैं, जो महिलाएं हैं, वो कहीं ना कहीं इस बेहताशा गर्मी में पानी के लेकर के कहीं कहीं बेहोश भी हो जाती हैं। तो मैं केजरीवाल जी को सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि आप पैसे ले लीजिए, हम आपसे हाथ जोड़कर कहते हैं, बिल के पैसे ले लीजिए, 200 ले लीजिए, 400 ले लीजिए, 1000 ले लीजिए। वैसे भी 70,000 का लोगों का बिना पानी के बिल आ रहा है, तो मैं यही चाहता हूँ कि आप पैसे लीजिए लेकिन पानी तो साफ दीजिए, क्योंकि पानी हमारी जिंदगी का सवाल है। जल है तो जीवन है, उस कहावत को चरितार्थ कीजिए। और मैं आपसे सिर्फ आज सांकेतिक प्रदर्शन है, अगर आपने इस समस्या को नहीं सुधारा तो जल बोर्ड के पर हम एक भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश की तरफ से एक विशाल प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे कि आपकी गद्दी हिल जाएगी। धन्यवाद।